अगर आप किसी चैरिटी में अपने पैसे डोनेट करने की सोच रहे हो तो प्लीज रुक जाओ बिल्कुल डोनेट मत करना इट इज नॉट वर्थ इट देखिए सुनने में बहुत हार्टलेस लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस मैं आपको आज इंडिया में और पूरे देश में चैरिटीज की सच्चाई बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर वन ज्यादातर चैरिटीज जो है ना पूरे दुनिया में वो चैरिटीज है ही नहीं वो या तो टैक्स हेवन है या सिंपली आउटराइट स्कैम केस वन की बात करते हैं देखिए भारत में अगर आप एक चैरिटी को डोनेट करते हो तो सर्टन चैरिटीज के लिए आपको हंड्रेड टैक्स बेनिफिट मिलता है और कुछ चैरिटीज ऐसे

ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है सुनने में लेकिन एक सच्चाई थी जो इतने अच्छी तरह से बाहर नहीं आई थी वो था कि सीईओ साहब ने जो पैसे डोनेट किए थे वो एक ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए थे जो इन्होंने ही इन्होने किया था एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको यही कंट्रोल करते थे तो अब देखिए पॉइंट ऐसा है कि पैसा कौन ओन करता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन उस पैसे पर किसका कंट्रोल ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता जब गोप्रो के सीईओ ने ऐसा किया तब उनको उस पैसे पे पूरा टैक्स डिडक्शन मिल गया क्योंकि वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन था और इस पूरे पैसे पर उनका 100% कंट्रोल था देखिए उनकी जो चैरिटेबल डोनेशन की वेबसाइट है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती चैरिटी का काम और उसके फाइनेंशियल तो दूर की बात लोग ये देख भी नहीं सकते कि उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट काम क्या है और ये तो एक छोटा बिलियनर था बड़ा बिलियनर जैसे मार्क जकबर्ग ने भी ऐसा काम किया जहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए के शेयर इन्होंने डोनेट किए अपने ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जिसको वही कंट्रोल करते हैं और देखिए केस टू यह चैरिटी बहुत से केसेस में स्कैम भी हो सकती है देखिए भारत में ना एक एनजीओ सेटअप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कोई भी कर सकता है अब देखिए एनजीओ एक बार सेटअप हो गया

25 लाख ही यूज हो रहे हैं लोगों के भलाई के लिए तो देखिए मेरा पॉइंट है कि आपने एक चैरिटी को ऐसे ही देखना चाहिए जैसे आप कंपनीज को देखते हो क्योंकि देखिए नाइन आउट ऑफ टेन चैरिटीज में कोई ना कोई लफड़ा चलता रहता है कमिंग टू द सेकंड रीजन दैट इज मोस्ट चैरिटीज आर ऑल्सो इन अब मान लेते हैं आपको एक ऐसी चैरिटी मिली जो बोलती है कि हम ना लोगों का पेट भरते हैं हम लोगों को खाना डोनेट करते हैं यही हमारा काम है ये एक अच्छा है, एंड ऐसा हो भी सकता है कि वो चैरिटी जो सारे पैसे डोनेट कर रही है ना वो ढंग से मैक्सिमम यूज भी कर रही है लोगों का अच्छा करने के लिए लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि वो चैरिटी एफिशियंट है या नहीं और मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रॉफिटेबल है या नहीं अब ये सुनके आपको शौक लगा होगा कि चैरिटी प्रॉफिटेबल क्यों होनी चाहिए चलिए लॉजिक के साथ मैं एक चला रहा हूं और मैंने एक करोड़ रुपए रेज किए डोनेशंस के थ्रू और इन एक करोड़ रुपए से मैंने एक लाख लोगों को खाना दिया एक दिन के लिए अब देखिए पूरी प्रोसेस एंड हो गई एक करोड़ रुपए बर्न हो गए मतलब देखिए उनको खाना तो मिला एक दिन के लिए उनका पेट भी भरा बट ऐसी कोई चीज नहीं की जिससे उनकी ओवरऑल लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट आई सस्टेनेबिलिटी एग्जाम्पल दू तो कुछ सालों पहले मेरे नाना जी ने एक छोटे लड़के की पढ़ाई के पैसे दिए थे उसने स्कूल कंप्लीट किया उसके बाद उसके कॉलेज के पैसे भी मेरे नाना जी ने दिए और अब वो जाकर एक जॉब कर रहा है पॉइंट इज ये जो चैरिटी थी वो उसके लिए पूरी तरह सस्टेनेबल थी जो पैसे मेरे नाना जी ने उस टाइम पर उसको डोनेट किए थे वो पैसे उसको एक्चुअली इनकम कमाने के लिए काम आए थे या फिर मोर सिंपली हर रोज खाना खाने के लिए भी काम आए तो यहां पर अगर मैं एक करोड़ रुपए डोनेट कर रहा हूँ और अच्छा काम सिर्फ एक दिन के लिए हो रहा है विद जीरो सस्टेनेबिलिटी तो क्या पॉइंट है एंड नाउ द सेकंड पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी अगर एक चैरिटी एक करोड़ रुपए रेज करती है और पूरे एक करोड़ रुपए खर्च कर देती है तो आगे जाके इट हैज टू रिलाई ऑन मोर सच डोनेशंस ताकि वो अच्छा काम करते रह सके अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो आगे भी जाके अच्छा काम शायद नहीं कर पाएगी क्योंकि देखिए अगर थोड़े पैसे वो चैरिटी हर साल बचा पा रही है अपने सारे डोनेशन से अपने सारे ऑपरेशन से तो ये जो पैसे होते हैं वो आगे अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है ताकि वो और भी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सके अच्छे तरीके से और देखिए ये सारी जो अच्छी क्वालिटीज मैंने अभी बताई ना वो दस हजार में से शायद एक या दो चैरिटीज में ही होंगी क्योंकि जो बाकी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन चैरिटीज है वो या तो टैक्स बचाने के लिए निकले हैं या फिर आपको स्कैम करने लेकिन अब आपको अच्छा काम करना है आप क्या कर सकते हो ऑनेस्टली द नंबर वन एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक ऑफ इज द सेम थिंग जो मेरे नाना जी ने की थी पे फॉर एजुकेशन इससे क्या होता है कि वो बंदा आपकी डोनेशन को आगे भी सस्टेन कर सके उससे उसके लाइफ पे एक एक लॉन्ग टर्म पड़ सके सिंपली कोई भी ऐसा अच्छा काम काम करो अपने अपने पैसों से से या अपने काम से जो किसी इंसान के लाइफ को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करता रह सके एनीवे anyway, वे दोस्तों मेरे ओपिनियंस थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आज हर एक जगह इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आपको चैरिटीज के इतने एड्स और बैनर्स दिखते हैं कि प्लीज यहाँ पर पैसे डोनेट करो वहां पर करो एंड हमको ऑनेस्टली कहीं भी नहीं पता कि ये कितना लेजिटिमेट है और सच में वो पैसे ढंग से यूज हो रहे हैं या नहीं एनी anyway, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए एंड आपने किसी की लाइफ कैसे इंपैक्ट की थी ये भी बताइए ताकि हम सब उससे सीख सके और हमारे कंट्री के लिए अच्छा काम करते रह सकें अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हफ्ते में दो बार ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ एक थर्सडे और मंडे को और हर एक दिन शॉर्ट्स भी पोस्ट करता हूं ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रह सके एवरी सिंगल डे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना एल सी अराउंड